गुड मॉर्निंग बच्चों, आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और अंकित कुमार, शशांक पांडे आ चुके हैं, सक्षम मौर्य, अभिषेक, आयुष कुशवाहा एंड शर्मा बोथ। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। SHM में कहा था कि आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट पढ़कर आइएगा। आए हैं पढ़ के? कितने लोग पढ़ के आए हैं? जरा ऐसे थंब दें, मैं पूछूंगा कुछ भी। चलिए तो फटाफट कमेंट कीजिए तो देखें तो हम। गुड मॉर्निंग का दौर खत्म हुआ। और कितने लोग हैं कमेंट कीजिए। आयुष, अंकित, सौम्य, आयुष, शर्मा, कुशवाहा, चैतन्य, चंदा, कुलदीप, आर्यन, और ओके। एलसी ऑक्सीलेटर या ऑक्सीलेशंस क्या है जरा समझिए इसको। देखिए यहां पर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस L है और ये कैपेसिटर C, इसका कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पर एक स्विच भी लगा है। और यह कैपेसिटर चार्ज है, पहले ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। और चार्ज बाई Q, देखिए तो जैसे स्विच को हम क्लोज करेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हाई और लो, और एक चार्ज का फ्लो हो जाएगा हाई टू लो, यानी एक करंट एस्टेब्लिश होगा। चार्ज का फ्लो यानी करंट आई। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा यह इंडक्टर उसका अपोज करेगा और एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले जब t इज इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज किए थे तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी था। पढ़कर आए हैं आप, क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। क्या होने वाला है जरा देखिए, चार्ज का फ्लो होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा कब? जब दोनों समान पोटेंशियल पर हो जाएंगे, यानी जब तक, यानी यह न्यूट्रल ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा, यानी करंट फ्लो होता रहेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि देखिए, एक मिडिल कंडीशन बनाता हूँ मैं, और इससे आप वो आइडिया मिलेगा। देखिए ये ऐसे है और यह कैपेसिटर, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q, और यहाँ पर और सर्किट में करंट कितना है i,
और ये एल, ये आई करंट तक एक्टिव हो चुका है, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है। और देखिए इसके बाद का सिचुएशन क्या होगा कि करंट फ्लो होते होते ओके ये एल और क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। उस समय करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, दैट करंट इज लेट से आई, और आई से ये एक्टिव हो जाएगा। अभी स्विच क्लोज ही है और यह एक्टिव इंडक्टर की तरह ट्रीट होने लगेगा और एनर्जी स्टोर हो जाएगा इसमें। यू एल इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो जो ये एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वही एनर्जी अब पूरा किस में चला गया, हाफ एल आई स्क्वायर में। आयुष वेरी गुड, स्मॉल एल आई नहीं कैपिटल आई, क्योंकि आई 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 इंक्रीज करते हुए कैपिटल आई तक पहुंच गया। अभी भी स्विच क्लोज ही है। अब पीछे का सेक्शन थोड़ा अब उसको ना ध्यान दीजिए और देखिए कि एक एक्टिव इंडक्टर है और एक चार्ज एक अनचार्ज कैपेसिटर है और स्विच को क्लोज किए हैं। तो क्या होता है कि जब एक्टिव इंडक्टर को उसी सर्किट में अन्य सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और वह उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू करता है। अब करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करेगा और करंट का फ्लो होगा, यानी ये देखिए ऐसे करंट का फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन अपोजिट। अब आपको यह ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से अब इसके बाद समझिएगा। T इज इक्वल टू टी टाइम, जो कि इस टी से कुछ ज्यादा होगा, वहां अब सर्किट में करंट होगा आई। ओके, अब यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और यहां पे नेगेटिव, और यहां से लिखें तो Q इज इक्वल टू, उस पोलैरिटी से ध्यान दे तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज होगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है, यदि इस पोलैरिटी से ध्यान दें तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। करंट का फ्लो होता रहेगा कब तक, जब इंडक्टर कंप्लीटली डिके न हो जाए। देखिए इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, फिर इंडक्टर से करंट डिके होकर जीरो हो जाएगा और हाफ एल आई एनर्जी जो है वह फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी में चली जाएगी और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्यू बराबर माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर, और देखिए यहाँ पे सर्किट में अगेन आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो होगा इस दिस स्टैंड पे, और वह टाइम कितना होगा तो टी इज इक्वल टू टी बाई टू होगा। ये देखिए टी बाई टू में क्यों लिखा इसके बारे में मैं बताता हूँ, पर बाकी सारी चीज़ें क्लियर है कि ये जो इंडक्टर है अब एक्टिव नहीं होगा, धीरे धीरे आई जीरो हो जाएगा और क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फिर से वही यू सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव हट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एनर्जी फिर से वही हो जाएगी, पर पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी डिफरेंट एज प्रीवियस फ्रॉम प्रीवियस। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो रहा है, और देखिए एज अब क्या होने वाला है, जैसे ये सिचुएशन क्रिएट होगा इसके बाद करंट का जो डायरेक्शन है, अब यहां से आई जीरो होने के बाद अब करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा अपोजिट। फिर से जैसे ये प्रोसीजर चलता गया वैसे ही अब उल्टा चलेगा, फिर से उल्टा चलेगा। तो देखिए क्या होगा जब उल्टा चलेगा, तो यही डायग्राम बस अपोजिट बनेगा। देखिए इसको बना देता हूं मैं, और धीरे 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 क्यू, अब यह चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू से क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू जाएगा, इसमें करंट आई होगा और फिर से यह एक्टिव होगा, पर एक्टिव होगा तो यह अपोजिट पोलैरिटी से एक्टिव होगा, यहाँ से हम कहेंगे फिर आई से एक्टिव हो जाएगा और यह इस पर चार्ज फिर जीरो हो जाएगा। ओके,
और यह टाइम टी जो है विच इज ग्रेटर देन टी बाई टू, यहां पे हमने कहा कि हाफ साइकिल से रिप्रेजेंट किया। ऐसा क्यों किया हाफ साइकिल से रिप्रेजेंट, इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए चार्ज की पोलैरिटी ऐसे है, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर पोलैरिटी चेंज होना शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, पर सेम इसी कन्फिग्रेशन में चार्ज नहीं हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह अभी जब तक इसी कन्फिग्रेशन में चार्ज नहीं आएगा तब तक एक साइकिल चार्ज के लिए कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए t इज इक्वल टू टी बाई टू। फिर अगेन इतना ही प्रोसेस से फिर गुजरेंगे और फिर इस सिचुएशन पे आएंगे। तो यहां से फिर i हो गया, एक्टिव हो गया, t इज ग्रेटर देन t बाई टू, और अगेन इस पे चार्ज हो जाएगा जीरो। इसमें एक स्टेप और बनाना था पर मैंने उस स्टेप को नहीं बनाया क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप इसी टाइप का होगा, उसको मैंने नहीं बनाया। फिर करंट का डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, जैसे इसके बाद मेंटेन था वही करंट का डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, और धीरे धीरे वह फिर से डीएक्टिव होता जाएगा और करंट ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। एक और बना देता हूँ मैं इसके बाद, ये है आपका इंडक्टर और ये कैपेसिटर, और करंट ऐसे आई फ्लो करेगा और उस समय क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू होगा, और उस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो यह ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो होने के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो पोलैरिटी अब धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, और फिर उसके बाद अगेन टी इज इक्वल टू कैपिटल टी होते होते ये सिचुएशन आ जाएगा और क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा और इसमें करंट जीरो हो जाएगा और फिर से ये साइकिल ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। तो यह अगेन देखें एनर्जी वाइज देखें पहले, तो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी देखिए यहाँ पर एक साइकिल के दौरान, यहाँ पे q स्क्वायर बाई टू सी हाफ एल आई स्क्वायर में गया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आकर फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ पर आते आते फिर हाफ एल आई स्क्वायर में चला गया, फिर यहाँ पे q स्क्वायर बाई टू सी में चला गया। तो एनर्जी का देखें सिर्फ एक एनर्जी देखो q स्क्वायर बाई टी सी टू सी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम और अगेन जीरो और फिर मैक्सिमम। तो एक साइकिल के दौरान देखो एनर्जी मैक्सिमम से जीरो फिर मैक्सिमम से जीरो, यानी ड्यूरिंग वन कंप्लीट पाथ या ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ द चार्ज, एक चार्ज का एक ऑक्सीलेशन होने पर एनर्जी दो बार ऑक्सीलेट करती है, क्योंकि एनर्जी का नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं, एनर्जी जीरो से मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम जाएगी, एनर्जी दो बार ऑक्सीलेट करती है जबकि चार्ज एक बार ऑक्सीलेशन करता। उसी दौरान इंडक्टर में भी एनर्जी देखिए, इंडक्टर की एनर्जी पहले जीरो थी फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हो गई। तो एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीलेशन ऑफ द चार्ज, क्योंकि चार्ज अच्छा ये ध्यान में मत रखिएगा कि क्यू बराबर कैपिटल क्यू हुआ तो माइनस क्यू हुआ, पर यह हाफ साइकिल है या फुल साइकिल नहीं है, जब तक इसी पोलैरिटी में नहीं आएगा तब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो चार्ज के एक ऑक्सीलेशन के दौरान एनर्जी ऑन इंडक्टर और कैपेसिटर बोथ आर ऑक्सीलेटेड बाई टू टाइम्स, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी डबल एज कंपेयर टू चार्ज। क्लियर हो रहा है, यानी एनर्जी विल ऑक्सीलेट एज वेल एज चार्ज विल ऑक्सीलेट, यही है एलसी ऑक्सीलेटर। बताइए समझ में आया कुछ? हाँ, साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, हम कंडीशन मानकर चलेंगे। चंदा कुमारी आपने पूछा ये, हम कंडीशन क्या मान के चलेंगे कि देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो यानी ये जो सर्किट है चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगी, तो हम वह इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, और यदि आइडियल सिस्टम बना लें तो यह प्रोसेस चलता रहेगा। लिखिए इसको, डायग्राम को अच्छे से बना जाइए।
लिखिए इसको फटाफट। लिख लिया सभी ने? यस नो में रिप्लाई करिए। ओके एनालिसिस ऑफ एलसी ऑक्सीलेशंस। देखिए ये है इंडक्टर, ये स्विच जिसका इंडक्टेंस एल और यह इस पे चार्ज Q और इस प्लेट पे माइनस Q, कैपेसिटेंस है इसका C। ओके तो हम इक्वेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो T इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को हम क्लोज करते हैं, तो किसी यहाँ से चार्ज का फ्लो होता, तो T इज इक्वल टू T टाइम की बात करें तो Q इज इक्वल टू Q होगा। यदि T इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q होगा, और T इज इक्वल टू T की बात करें तो Q इज इक्वल टू Q होगा, और ये करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में I। तो देखिए यह तो क्लियर है कि UL एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर ट्रांसफॉर्म इनटू कैपेसिटिव एनर्जी आफ्टर दैट इंडक्टिव एनर्जी बोथ आर ऑक्सीलेटिंग विथ डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी या ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज एंड इस एनर्जी इज यूसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी एंड विच इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर और विच इज कॉन्स्टेंट। ओके बट एट टी इज इक्वल टू टी टाइम की बात करें देन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू एंड करेंट इन सर्किट इज आई, then total energy, total energy remains constant, then write down the energy at t is equal to t time on the capacitor is equal to 1 by 2 q square by 2 c Q स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, तब तक यह इंडक्टर और विच इज अगेन कॉन्स्टेंट।
दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज अगेन कॉन्स्टेंट, यानी क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगा या हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होगा कैपिटल एल आई के स्क्वायर। कितने लोगों को ये इक्वेशन क्लियर है? क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिखिए मत, अभी एकदम मत लिखिएगा और ध्यान से देखते जाइए। यह क्लियर है? क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो वन अपॉन टू सी डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि लिखना शुरू कर दीजिएगा, टू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस ये क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस हाफ एल एंड आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आई इंटू डी आई बाई डी टी एंड द राइट हैंड साइड आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉन्स्टेंट इज जीरो। ओके, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। टू से टू, सॉरी टू से टू कैंसिल, और देखिए डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड आई, आई और ये आई कैंसिल, ये टू से ये टू कैंसिल। हमारे पास जो इक्वेशन बना वह देखिए क्या हुआ, क्या बचा है, q बाई सी प्लस l इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और l से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड तो, और डी आई बाई डी टी को पहले लिखता हूं मैं, तो डी आई बाई डी टी प्लस q बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, और i को यदि मैं डी क्यू बाई डी टी लिखता हूं तो डी आई बाई डी टी को मैं देखिए लिख रहा हूं डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है जरा बताइए, थंब दिखाइए। डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, इसको लिखिए जरा। लिखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, बताता हूं मैं इसे।
ओके देखिए, थोड़ा आपको SHM का कंसेप्ट याद दिलाता हूँ। ये x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस ए। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं जो 12th में हैं। आप लोग भी यदि संभव हो तो जल्दी से ऑफलाइन, क्योंकि डिले मत कीजिए, यदि ऑफलाइन में आना है तो जल्दी से आ जाइए, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, और आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं बैठा रहता हूँ, आपको पता होगा सारी चीज़ें, तो ठीक है। तो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और नहीं तो ऑनलाइन तो चीज़ें चलेंगे ही, नो डाउट। पर थोड़ा सा आपका जो डाउट सेशन होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। नाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यदि पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता है तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और यदि यहां से स्टार्ट करता है इसे मोशन t इज इक्वल टू जीरो पे, तो यहां पे इक्वेशन डिफाइन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। तो यहां से हो गया इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा t जब एक्सट्रीम पोजीशन से डिफाइन होता है तब। अच्छा, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन d2x टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो, दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM को यह रिप्रेजेंट करता है। और ये ध्यान से देखें तो ये है क्या, तो कहेंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। यही कंडीशन होता है SHM होने के लिए, ठीक है ना। और देखिए यदि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे एक साइन ओमेगा टी को करें या कॉस ओमेगा टी को, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वेशन आता था आप पढ़ के आए हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल टू वी इज व्हाट, तो वी इज द डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज एक्सेलरेशन और इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है, क्लियर है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात कि लीनियर इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब मीनिंग पोजीशन से स्टार्ट होता है और जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, सिमिलर टू हियर, पेन मैं चेंज कर रहा हूं, चार्ज विल ऑक्सिलेट एंड हियर कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, पार्टिकल ऑक्सिलेट इन एक्स एक्सिस फ्रॉम प्लस प्लस ए टू माइनस ए, हियर चार्ज विल ऑल्सो ऑक्सिलेट। यहां पे है q इज इक्वल टू जीरो, यहां पे है q इज इक्वल टू प्लस क्यू और यहां पे है q इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो चार्ज विल ऑक्सिलेट फ्रॉम दिस पोजिशन प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ओके, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन विच डिफाइन द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो कंपेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन, t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता है तो साइन ओमेगा t, एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो कॉस ओमेगा t में कन्वर्ट हो जाता है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल Q, यहां से स्टार्ट है। देखिए t इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल Q, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, क्या मैं Q इज इक्वल टू a, a इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज Q और साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t। इस केस के लिए यदि चार्ज t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होता तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q साइन ओमेगा t हम लिखते। कितने लोगों को ये लाइन क्लियर है, यस नो में बताइए। जो बातें हमारे ध्यान में सुने होंगे आप तो यह चीजें क्लियर हुई होंगी, बताइए। तो रोशन शर्मा, नेट SHM नहीं पढ़े हो तुम इसलिए नहीं समझ में आ रहा, SHM के बारे में तुम्हारा ज्ञान एकदम खत्म है। मैंने कहा था SHM पढ़ के आना, 11th में पढ़ाया गया था, यदि तुम कोचिंग में रहोगे तो मैं पढ़ाया हूँगा। बताओ, बाकी लोग कमेंट करिए, सोम एकदम
क्लियर कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? चंदा वेरी गुड, अंकित वेरी गुड, आदित्य क्योंकि एसएचएम ही है, बेसिक एसएचएम मैंने 11th में आपको पढ़ाया है और वही कंसेप्ट है। यदि आप नहीं पढ़े हैं, 12th में ज्वाइन किए हैं, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आना है, बेसिक कंसेप्ट, और लिखवाया भी था क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बताया भी था मैंने। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी, दिस विल बी द इक्वेशन। जैसे यहां पे dx बाई dt बराबर भी बनता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेम हियर dq बाई dt इज इक्वल टू i, और यहां i जस्ट लाइक v एनालॉग एक दूसरे के, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, a यहां पे आपका q है, q स्क्वायर माइनस स्मॉल q स्क्वायर। देखिए, देखते जाइए, क्लियर है ये? I की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू विच इज प्लस माइनस ओमेगा इंटू क्यू, जब ओमेगा इंटू क्यू और मॉड ले लेंगे तो ओमेगा क्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, दिस वन इज द इक्वेशन विच डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन, एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, एसएचएम ऑफ चार्ज। और देखिए, यदि इस इक्वेशन से देखें, कंपेयर करें, तो चार्ज ऑक्सीलेट करता है, तो एक्स के पोजीशन में हो रहा था, यहां यहां एक्स है, चार्ज है तो यहां यहां है, तो ये यहां पे वन लगाकर जरा देखिए, 1/LC, देखिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, 1/LC इज व्हाट, 1/LC क्या है, देखिए कहेंगे 1/LC इज ओमेगा, तो ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज, 2πn, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज। ओके, टाइम पीरियड की बात करें तो n टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/N इज इक्वल टू 2π√LC, देखिए क्लियर हो रहा है? तो ये जो ब्लैक में अभी मैं जो लिखा हूं यहां से लेकर यहां तक, ये सारा कंसेप्ट, या ऐसे नोट करके लिखिएगा, एसएचएम का कंसेप्ट है ये, और बाकी सारी जो चीजें इधर की या उसमें लिखिएगा। चलिए लिखिए इसे। लिखिए लिखिए,
लिख लिया आप लोग? एक दूसरे से एनालॉग है, कंपेयर हम लोगों ने किया है और एनालॉग की तरह पुट कर दिया है। एम्पलीट्यूड हमारा कैपिटल क्यू हो गया, पोजीशन एक्स हमारा स्मॉल क्यू हो गया, वेलोसिटी हमारा आई हो गया, ओमेगा हमारा 1/√LC हो गया, टाइम पीरियड 2π√LC हो गया। और इक्वेशन समझ ही गए हैं आप कि क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी, इसे क्यों लिखा गया है। In a circuit shown in figure, switch S1, S2 are closed at T is equal to 0. Find the oscillation frequency of the charge in the circuit, neglect the mutual inductance between the inductors. बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस सर्किट से सबसे पहले आप एक सर्किट बनाइए और फिर इन दोनों से एक कैपेसिटर बनाइए, फिर उसके बाद इक्वेशन आप लिखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आएगा। देखिए, यह एल एल हो जाएगा आपका 3L और सी टू सी दैट वन इज द 3C पैरेलल में है और चार्ज हो जाएगा आपका -3Q और +3Q ऑन दिस पोलैरिटी। ओके, तो देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो एल यानी व्हाट, एल इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट। तो 1/2π अंडर रूट 3L into 3C is equal to 1/6π
रोटल सी, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। चंदा कुमारी, सौम्या, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शो एलसी सर्किट विथ इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटर इज 200 माइक्रो कूलम। यहां पे जो चार्ज है 200 माइक्रो कूलम है एंड 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है चार्ज इस पे, प्लस क्यू माइनस क्यू ये दे रखा है, और ये 0.2 मिली हेनरी, 0.2 मिली हेनरी का इंडक्टर है। फर्स्ट टाइम इंस्टेंट व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बिकम 1/3 ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहला टाइम इंस्टेंट जिसमें एनर्जी स्टोर इंडक्टर में जो एनर्जी होगी वह कैपेसिटर की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का चेंज हो रहा है 0 to max, फिर मैक्स टू 0, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो कह रहा हुआ सबसे पहला टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद, वह सबसे पहला टाइम जब एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी जो स्टोर हुआ इंडक्टर में वह कैपेसिटर का 1/3 रहे। बताइए कुछ मैं हिंट दूं, यस नो में बताइए तो हिंट देता हूं मैं, कहिए तो कुछ हिंट दूं। बोलो कुछ हिंट चाहिए। यस नो कुछ भी लिखिए, पहले देखूं मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का, कमेंट कीजिए जरा। क्या नो, वीडियो चल रहा है ना? बोलो कमेंट। अच्छा ओके 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 ठीक। तो चलिए देखिए मैं हिंट देता हूं आपको, 200 माइक्रो कूलम चार्ज है। कंडीशन क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर 1/3 ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज द 1/3 ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का तिहाई। तो इस समय
किसी t इज इक्वल टू टी टाइम पे चार्ज मान लिया q है और इसमें करंट क्या है i है, तो टोटल एनर्जी इज व्हाट, टोटल एनर्जी u टोटल इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू किसी टाइम t पे इंडक्टर की एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी uc बाय 3 प्लस uc, क्लियर हो रहा है? और यहां से लिखिए uc, यानी ये हो जाएगा 4 बाय 3 uc इज इक्वल टू टोटल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं q स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू 4 बाय 3 uc, यानी किसी टाइम t पे q स्क्वायर बाय 2c के बराबर होगा। ये 2c गेट कैंसिल आउट एंड q इज इक्वल टू देखिए रूट 3 बाय q, सॉरी 2, रूट 3 बाय 2 प्लस माइनस q। कितने लोगों को ये क्लियर होगा कि जब चार्ज ऑन कैपेसिटर यह होगा तब ये सिचुएशन लाई करेगा, यह समझ में आ गया? बताइए यहां तक समझ में आया? चार्ज ऑन कैपेसिटर पॉजिटिव पोलैरिटी जो पहले था प्लस रूट थ्री बाई टू क्यू रहे, या पोलैरिटी पलट के आ जाए तब यह सिचुएशन होगा। क्लियर है? थम क्लियर। तो t इज इक्वल टू जीरो पे q बराबर कैपिटल q है, तो जो इक्वेशन होगा q इज इक्वल टू कैपिटल q साइन ओमेगा t होगा कि कॉस ओमेगा t होगा, पहले ये बताइए। क्या ये इक्वेशन क्लियर है कि q इज इक्वल टू t इज इक्वल टू जीरो पे q यदि मैक्सिमम है इक्वेशन q इज इक्वल टू कैपिटल q कॉस ओमेगा t होगा। अब पहले कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू से चार्ज घटते घटते पहले आएगा रूट थ्री बाई टू क्यू, फिर जीरो होगा, फिर चार्ज निगेटिव में होना शुरू होगा और फिर उसके बाद माइनस रूट थ्री बाई टू क्यू आएगा। तो सबसे पहला टाइम इंस्टेंट किस चार्ज पर डिफाइन होगा या एनर्जी कंडीशन, तो कहेंगे रूट थ्री बाई टू। तो q इज इक्वल टू पुट करेंगे रूट थ्री बाई सॉरी रूट थ्री बाई टू क्यू इज इक्वल टू q cos ओमेगा t, q गेट कैंसिल आउट, cos ओमेगा t बराबर रूट थ्री बाई टू। तो जरा हमें बताइए कि थीटा है हमारा ओमेगा t, तो ओमेगा t बराबर क्या लिखें, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी बताइए। तो तो ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, ओके। दिस इंप्लाई दैट आपसे पूछा क्या है फर्स्ट टाइम, तो टी बराबर वही फर्स्ट टाइम के लिए कंडीशन है, तो पाई बाई सिक्स बाई ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू है वह कितनी होगी, तो वन बाई रूट एल सी, तो यहां से हो जाएगा रूट एल सी इंटू पाई बाई सिक्स। तो पाई रूट एल सी, रूट एल 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 कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
इंटू सी, सी इज द 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, देखिए ये 10 टू द पावर माइनस 8 कह दें और ये दो दूनी चार तो हो जाएगा 2 पाई बाहर हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 6 यहां से कैंसिल होके आएगा t इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड, ओके, या 10 पाई बाई 3 माइक्रो सेकेंड कह सकते हैं। बताइए क्लियर है, क्या आपको यह कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके तो देखो यदि मैं इसी क्वेश्चन में एक HW आपको दे देता हूं और इसमें लिख रहा हूं फाइंड द फर्स्ट इंस्टेंट, सेम वही चीजें मैं लिख रहा हूं, ओके, फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इक्वल टू कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज इक्वल टू कैपेसिटर के बराबर हो जाए, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाए तो वो सबसे पहला टाइम बताइए, ठीक। तो ये जो है आप करके आएंगे और उसके बाद भी ढेरों सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, अभी देखिए अभी कई वैरायटीज है क्वेश्चंस की, तो 3-4 क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, और जो SHM का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा और अच्छे से आप पढ़ के आइएगा तो आपका जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट होगा वह और बेस्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और आप लोग करके आइएगा, ये पार्ट भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस भी करेंगे और आगे चलेंगे, ओके, थैंक यू।